हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आवर टॉपिक इज हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, आज हम जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। हिस्टेरेसिस कर्व बेसिकली आई वर्सेस एच ग्राफ है। आई वर्सेस एच मतलब आई और एच क्या है, इसमें अगर हम मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर देखें तो एच क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है या एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी होती है। किसी भी मटेरियल को हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। तो वो जो एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके अंदर इसे प्लेस किया जाता है किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है कि किस में कितनी उसमें कैपेबिलिटी है फील्ड के अंदर कि वो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सके, उसे हम कैसे पता लगाते हैं, उसे मेज़र करने का जो तरीका है हमारा क्या है, पैरामीटर एच है। और फिर एक और नेक्स्ट जो है हमारा आई है, जिसके बीच में आई वर्सेज एच जो हमें ग्राफ इन दो पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ करना है। तो आई क्या है आपकी, आई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि आपका जो मटेरियल आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी मैग्नेटाइज होने की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज गिवन बाय द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय और डिनोटेड बाय द सिंबल आई। आई की जगह हम लोग यहाँ बी भी ले सकते हैं, कई जगह कई बुक्स में आपको बी वर्सेज एच ग्राफ मिलेगा। तो फॉर जनरलाइजेशन और यहाँ हम लेकर के चल रहे हैं सिंप्लिसिटी आई वर्सेस एच ग्राफ। देखिए अब आप आपने क्या किया कि आपने कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज बहुत अच्छे से होते हैं और उनका जो नेट मैग्नेटिज्म होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो मैग्नेटिज्म का जो ये सारा प्रोसेस स्टडी करेंगे ना, वो हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपने कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कोर ले लिया, इसे जिनसे लार्ज नंबर ऑफ कॉयल्स या टर्न्स इसके ऊपर एक तरह से सॉलिनॉइड की फॉर्म में इसको बना दिया और करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आप इस कॉयल में से पास करेंगे तो जो आपका ये कोर मटेरियल है जो कि आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया है वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ चेंज करेंगे तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, चेंज होगी। अब इसी मटेरियल का जो आपने क्या करना है, इसी मटेरियल के लिए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है आई वर्सेस एच। आप देखेंगे कि कैसे कैसे आपकी स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज करने के कारण स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो उसे उसका बिहेवियर देखने के लिए जो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का यूज़ करेंगे। और ये ग्राफ किसके बीच में है, आई वर्सेज एच। तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि जैसे जैसे आपने एच इंक्रीज़ करना, आपका जो सा एच है सॉरी इन द वेरी बिगनिंग आपका जो एच है वो ज़ीरो है, यानी एक्सटर्नली आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, तो उस केस में जो आपका आई है वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आपकी ज़ीरो होगी। नाउ एज यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एच, जैसे जैसे आप एच की वैल्यू बढ़ाते हो, है ना, कुछ फाइनाइट वैल्यू पहुँचती है एच की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो आई की वैल्यू है वो भी बढ़ना शुरू करती है। सो विद द टाइम एज यू रीच द पीक वैल्यू ए, बढ़ाते बढ़ाते आप क्या करते हो कि एच बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, अब आप किस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पहुँचे, ए कॉरेस्पॉन्डिंग पहुँचे, तो उस पे जाकर के जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है। और इस ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। अब आप क्या कीजिए, अब आप जो मटेरियल आपका सैचुरेटेड हो गया, जितना उसने मैग्नेटाइज होना था वो मैग्नेटाइज हो चुका, अब हम क्या करेंगे, उसे डीमैग्नेटाइज करना शुरू करेंगे। और डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को घटाना शुरू कर देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे घटेगा, जैसे ही हम करंट कम करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि मूविंग चार्जेस के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। मूविंग चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट जब भी आप पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में से तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, एज यू ऑल नो अबाउट इट। अब देखिए प्रोसेस सेकंड में आपने क्या किया, जैसे जैसे आपने एच को गम करना शुरू किया, घटाना शुरू किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी आई की वैल्यू थी वो भी क्या हुई, कम होना शुरू हुई। और एक पॉइंट पर आकर आपने क्या किया, आपका जो सा क्या था, एच को आपने ज़ीरो कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ज़ीरो कर दिया तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो सा आई है वो क्या रह गया, नॉन ज़ीरो रह गया, वो पूरी तरह ज़ीरो नहीं हो पाया। यानी इसका मतलब है कि जो आपका मटेरियल था उसके अंदर अब भी नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इट इज़ स्टिल मैग्नेटाइज। तो इसे हम किस प्रोसेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी। अब आपने क्या किया, अब आप चाहते हो कि ये जो आई है उसे ज़ीरो किया जाए, कि जो मटेरियल है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर नेट कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। तो इसे आई को ज़ीरो करने के लिए एच तो आपका पहले ही ज़ीरो हो गया था,
है ना, लेकिन आई आपका ज़ीरो नहीं हुआ था, वो नॉन ज़ीरो रहा था, तो उसे ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा फील्ड लगाएंगे, लेकिन अब फील्ड कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आप फील्ड लगाओगे, ठीक है। तो आपने ये जो बी सी लगाया है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फील्ड लगाया है, इस अपोजिट डायरेक्शन पे फील्ड लगाने के कारण आप कहाँ पहुँचे, जैसे जैसे आपने फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगाया तो यू रीच टू द पॉइंट सी, और इस सी पॉइंट पर आकर के आपका एच भी ज़ीरो हो गया और आई भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। बी पॉइंट तक क्या था, आपका एच तो ज़ीरो था ही, लेकिन आपका आई जो है ज़ीरो नहीं हुआ था। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन जब आपका एच तो ज़ीरो हो जाए, एच ज़ीरो करने पर भी जो आपका आई है वो ज़ीरो ना हो, यानी मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रह जाए, है ना। इसे हम कहते हैं मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब कि मटेरियल की वो एबिलिटी जिसमें वो क्या करता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर रिटेन करके रखता है, बचा करके रखता है, इवन इफ़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस टू ज़ीरो, ठीक है। नाउ आवर पर्पज़ इज़ टू रिड्यूस दिस आई टू द वैल्यू ऑफ ज़ीरो, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन सो एज़ टू मेक दिस आई इक्वल टू द ज़ीरो। तो पॉइंट सी पर जब आप पहुँचे तो आपने देखा कि अब आपका एच भी ज़ीरो हो गया और आई भी ज़ीरो हो गया, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है यहाँ जिन सा पॉइंट सी था, यहाँ आपका आई भी ज़ीरो हो गया और एच भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोरेसिविटी। कोरेसिविटी का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ द फील्ड अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन सो एज टू मेक द आई इक्वल्स टू ज़ीरो कोरिस्पॉन्डिंग टू द एच इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक। ये आपकी रिटेंटिविटी कोरेसिविटी होगी। अब आपने जो आप फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे थे उसी को बढ़ाना शुरू किया और आप डी तक पहुँचे। अब डी क्या है, आपका एक सेचुरेशन पॉइंट मिल गया, जिस तरह एक सेचुरेशन पॉइंट आपको क्या मिला था, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मिला था, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फील्ड के लिए मिला था, वैसे ही एक सेचुरेशन पॉइंट आपको जब हम नेगेटिव साइड फील्ड को बढ़ाते रहे, ठीक है। फील्ड ने सी पॉइंट तक आकर के आपके फील्ड ने क्या किया, आई को ज़ीरो करने का काम किया। अब आप क्या कर रहे हो, फील्ड को कम करते जा रहे हो एंड नाउ यू हैव रीच टू द पॉइंट डी। अब इस पॉइंट पे आपका क्या आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में सेचुरेशन आ गया। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, अब आप चाह रहे हो कि आपका दोबारा आप क्या करोगे, मैक्सिमम फील्ड आने के बाद आप एच को दोबारा ज़ीरो करोगे कोरिस्पॉन्डिंग टू द पाथ थ्री। अब जैसे ही आपने एच ज़ीरो किया उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या हुआ, आई फिर ज़ीरो नहीं हुआ, आपके पास कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू फिर रह गई आई की, है ना। तो आई अब भी कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा, तो उसके लिए आप फिर वही प्रोसेस, वही साइकिल दोबारा अप्लाई करोगे। आई को ज़ीरो कैसे करेंगे, हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेंगे सो एज टू मेक दिस आई ज़ीरो कोरिस्पॉन्डिंग टू द एच ज़ीरो। तो आप ई एफ के ज़रिए आप पाथ फोर पे पहुँचोगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर के आपका क्या होगा, एच भी ज़ीरो हो जाएगा और आई भी ज़ीरो हो जाएगा। अब आप फर्दर जो सा प्रोसेस, अगर आप फर्दर अब आप क्या करते हो, पॉजिटिव साइड की तरफ आप दोबारा मूव कर रहे हैं, है ना। तो इसमें फिर वही आपका पॉइंट ए आ जाएगा, जैसे जैसे आप फील्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इट विल ऑल्सो अप्रोच टू द मैक्सिमम वैल्यू एंड कोरिस्पॉन्डिंग टू द ए इट विल अप्रोच द सैचुरेशन पॉइंट। तो ये एक पूरा साइकिल हमने स्टडी किया कि कैसे कैसे हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज किया और डीमैग्नेटाइज किया। इसके बारे में आप नोट्स थोड़ा, अगर मैं आपको इसको लिख के बताऊं कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि वी हैव इंट्रोड्यूस द करंट इन द कोर ऑफ द सोलेनाइड एज यू हैव ऑलरेडी शोन दैट, एच ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे आपने करंट बढ़ाया करंट के कारण क्या हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन जो से एच है उसने बढ़ना शुरू किया, फिर एच के बढ़ने के साथ साथ आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो भी बढ़ी, और जैसे जैसे बढ़ा एच को बढ़ाते रहे आई भी बढ़ता रहा और एक वैल्यू आ गई कि वो सेचुरेशन पे पहुंच गए पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे आने का मतलब है कि आपका एच जोन सा है वो मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर गया और जो आई था वो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर गया। अब हम क्या है, हम उल्टा चले। उल्टा कैसे चले, अब तक हम फील्ड को बढ़ा रहे थे, अब हमने क्या किया एच को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आपने एच को रिड्यूस किया बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, तो क्या हुआ उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आपका आई था वो भी घटना शुरू हो गया और ये आपको कहाँ दिख रहा है, इट कोरिस्पॉन्डिंग टू द पाथ ए बी जो कि सेकंड पाथ है। फिर हमने क्या किया, घटा रहे एच को, आई भी घट रहा है, फिर हमने क्या किया एच को हमने रिड्यूस कर दिया टिल द वैल्यू ऑफ ज़ीरो, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारा आई जो है अब भी नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि जो हमारे जो डाइपोल्स हैं दे आर स्टिल अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि देर इज नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड रिटेन्ड इन द स्पेसिमन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं रिटेंटिविटी ऑफ मटीरियल। मटीरियल की रिटेंटिविटी, रिटेन करने की पावर, यानी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो कर दिया जाए तब भी मटीरियल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहता है
और मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। अब हम चाहते हैं कि जो रिटेंटिविटी है उसको ज़ीरो किया जाए, या हम कह सकते हैं आई की वैल्यू को ज़ीरो किया जाए कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एच इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई को ज़ीरो करने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और ये कैसे हुआ, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमने फील्ड कैसे जनरेट किया, जस्ट बाय ऑल्टरिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट को डायरेक्शन को रिवर्स करके। पहले जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपने करंट फ्लो करा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो ऑल्टर होगी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी बोलते हैं। तो कोरेसिविटी होती क्या है, इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज अ मटीरियल। नाउ आपने जो प्रोसेस की, फिर उसके बाद जब आई ज़ीरो हो गया, एच ज़ीरो हो गया, आपने रिवर्स डायरेक्शन के अंदर फील्ड को बढ़ाना शुरू किया, तो रिवर्स डायरेक्शन में आपका एच बढ़ा तो आई भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बढ़ा, और दोनों सेचुरेशन पॉइंट एट डी पे पहुंच गए इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगेन आपने एच को रिड्यूस किया, फिर वही हुआ, आपका आई ज़ीरो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द रिटेंटिविटी ऑफ द मटीरियल। तो अब आप चाहते हो कि आई ज़ीरो हो, तो उसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज़ कॉल्ड कोरेसिविटी। तो उसके बाद जो आपका प्रोसेस चलेगा अलोंग द पाथ एफ ए, वो सेम होगा एज दैट ऑफ द पाथ ए। अब आप देख रहे हैं जो इसमें रिटेंटिविटी कोरेसिविटी है ना, ये चीज़ें वही रिपीट हो रही है, जो आपका साइकिल है, जैसे जैसे आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं डी मैग्नेटाइज कर रहे हैं मटीरियल को, तो ये जो लूप बन के आपके पास आता है, एक क्लोज पाथ बन के आता है जिसमें आप मटीरियल आपका मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप। और ये जो फिनोमिना है ऑफ लैगिंग बिहाइंड ऑफ आई और एच बिहाइंड एच, व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस। तो ये जो साइकिल था, हम यहाँ लैग कौन कर रहा है, आई लैग कर रहा है। मैंने वैसे आई वर्सेज एच का ग्राफ बनाया है, अगर आप बी भी ले सकते हैं आई की जगह, तो इसमें जो आई है वो लैग कर रहा है, पीछे है, यानी हमारा एच ज़ीरो हो जाता है लेकिन जो आई है वो ज़ीरो नहीं होता, हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन लगा करके उसको ज़ीरो करना पड़ता है। तो इसमें जो हमारा आई है इट इज़ लैगिंग बिहाइंड। सो ये जो कंप्लीट फिनोमिना है, जो पूरा साइकिल है, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस। अब क्या है, एनर्जी डिसिपेशन की बात आती है हिस्टेरेसिस के अंदर। आपको पता है कि जो आपका मटेरियल है इट इज़ गोइंग थ्रू द साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डी मैग्नेटाइजेशन अगेन ओवर एंड अगेन, तो उसमें क्या होगा, कुछ जो आपकी एनर्जी है इट विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो कैसे पता लगेगी कि कितना, जितना ज़्यादा एरिया होगा आपका, है ना, हिस्टेरेसिस लूप का, वो दिखाएगा कि उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी डिसिपेट हुई है या एनर्जी लॉस हुई है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल इन ईच साइकिल। तो ठीक है, अगर अब हम ये देखते हैं, अब हम कंपैरिजन करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर और स्टील के अंदर। अगर आप इस हिस्टेरेसिस लूप को स्टडी करें तो आप देखेंगे जो सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस है, ये इट इज़ विच इज़ पेंटेड एज ब्लू, तो वो क्या है, थिन है और नैरो है। और जो आपका स्टील का है वो क्या है, ब्रॉड है और आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो इससे पता लगता है कि इस सॉफ्ट आयरन की जो क्या है, जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो कम है, क्योंकि इसका एरिया जो है वो कम है, और जो स्टील है उसका एरिया ज़्यादा है, तो स्टील के केस में जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो भी ज़्यादा होगा। अगर हम इसको स्टडी करें तो हम ये पाएंगे कि जो रिटेंटिविटी है सॉफ्ट आयरन की वो ज़्यादा है स्टील के मुकाबले, और जो सॉफ्ट आयरन है, रिटेंटिविटी ज़्यादा होने का मतलब है कि जो सॉफ्ट आयरन है इट कैन बी स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड देन स्टील। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसकी कोरेसिविटी जो सी है वो आयरन की वो लो है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्टील, यानी कि हमें आयरन को कम मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करना पड़ता है टू रिड्यूस इट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। यानी आज जैसे ही आपका जो आयरन है वो ईजिली मैग्नेटाइज भी हो जाता है, आप थोड़ा ही करंट सप्लाई करेंगे, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड देंगे, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा ईजिली। अब आप उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप कम करते हैं, रिड्यूस, थोड़ा ही मैग्नेटिक फील्ड आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू को, उसकी वैल्यू को जो ज़ीरो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द सॉफ्ट आयरन। लेकिन इसीलिए जो सॉफ्ट आयरन है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ प्रेफरेबली यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिज़ायर्ड होती है। हम चाहते हैं जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम ज़ीरो करें तो हमारा जो सा मटीरियल है वो फटाफट अपनी जो मैग्नेटाइजेशन मैग्नेट है वो लूज़ कर दे। लेकिन स्टील के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो स्टील की कोरेसिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी हमें बहुत ज़्यादा फील्ड लगाना पड़ता है उसके मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो करने के लिए। तो हम स्टील को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज़ नहीं करते।
क्योंकि स्टील क्या होता है, जैसे ही आप करंट को ज़ीरो करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो करते हो, वो उसके अंदर का जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, वो ज़ीरो नहीं होती ईजिली। तो हिस्टेरेसिस लॉस भी आपने देखा है इन केस ऑफ स्टील, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट आयरन। सो दैट इज़ वाई सॉफ्ट आयरन इज़ ऑफ ग्रेटर यूज़ कहीं भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है, कोई लूप बनाना है, कुछ भी है, बिकॉज उसकी जो उनसी रिटेंटिविटी ज़्यादा है और कोरेसिविटी लो है, इसकी इसी जो दो अच्छी क्वालिटीज़ के कारण ये ज़्यादा यूज़ होता है। सो हैंस दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्टेरेसिस लूप। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल साइंस एनालिटिका। Thank you.